माइनक्राफ्ट के टू ऐसे लॉजिक्स दैट विल शॉक यू। हाँ, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक ये जो मैंने कटघरा बनाया ना मेरे पीछे दिख रहा होगा, तो उसमें आपको करना है एक विलेजर स्पॉन, तो ये कर लिया मैंने। अब इसके ऊपर आप लोग गिलाएंगे एनविल, हाँ एक एनविल डैमेज पड़ता और दूसरा एनविल गिलाया फिर भी डैमेज पड़ रहा है, ठीक, मतलब यहाँ पे एनविल भारी हो रही है। और अगर हम यहीं पे जो कि उससे भी ज़्यादा भारी है कुछ जाए तो उसको कुछ नहीं होता है, इसका मतलब हम एनविल से हल्के हैं, एनविल हमसे भारी है, ठीक। तो और यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ पर एग है, टर्टल एग, ठीक, अगर इसके ऊपर आप गिलाते हैं एनविल तो एनविल टूट जाएगी, इसका मतलब टर्टल ज़्यादा मजबूत है और एनविल कमज़ोर है, ठीक। और उसकी जगह अगर हम कूद रहे हैं जो कि हल्के हैं एनविल से, तो वो क्या हो रहा है, एग टूट जा रहा है, सर्वाइव नहीं कर पा रहा है। ऐसे ऐसे लॉजिक माइनक्राफ्ट में भरे हुए ना। मैं सोच रहा था तो आप लोगों से कह ही देता हूँ कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बिना कहे तो आप लोग करते नहीं हैं, तो कर दो जल्दी।